संतोष मुरत जी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा, चाचा जी भी साथ में है। और चाचा जी एक बात बताइए, किसी की भी इच्छा होती है कि हम भी दुल्हनिया बनाएंगे, जब हमारा 18 से 25 का उम्र जब आएगा तो हम भी शादी करेंगे, लेकिन संतोष मुरत जी जब भी अकेले में होते हैं तो रो रो के हम लोगों से अपनी कथा बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? दो सब संतोष जी के लिए। संतोष जी बहुत कष्ट उठाए हैं, हम तो ये तो जान रहे हैं, जिन्होंने हर लड़ाई लड़ा यहाँ प्रमुख कौन डीएम थे जी, तो बहुत साथ इनका दिए, जाके जमीन वमीन भी वहाँ घिरवाए, लेकिन इनका नाम जो खतौनी में नहीं आ पाया, कब्जा उब्जा कराए थे जमीन हमारे जी, से। वो होता क्या है साहब ना, जब आला अधिकारी जाते हैं तो पेपर में छप जाता है, और जमीनी स्तर का कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। ये जो है कि इनके प्रति जो है सरकार से हम भी प्रार्थना करेंगे इनके ऊपर ध्यान दे, इनको कम से कम इनका जो है घर की रस्ती बस है, इनकी जो जय जमीन है इनको जी, वापस मिले जी, जी। हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे। और भैया से ये कहेंगे कि रखे रहेंगे, और आप लोग के माध्यम से कहेंगे, भैया से भी निवेदन करेंगे, भैया तबीयत खराब हो जाती है हमार, जब बीमार रहते हैं तभी हमें हमें तकलीफ रहने दीजिएगा। तो हमें लगता है कि जीवन साथी होना बहुत जरूरी है, और ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि पत्नी विहीन मोदी जी भी है, पत्नी विहीन भैया खा खीरा भैया, धन्यवाद। तो संतोष जी आप कब तक अपनी इस तरह से जीविका चलाते रहेंगे? ये देखिए हम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, इसका मालिक कोई और है, मालिक चचा है, और जैसे कि हम लेके जैसे घूमते हैं 150 हमको दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, हमारा धरना भी जारी रहता है, और दिहाड़ी भी 150 खाने का मिल जाता है साहब का। बाकी हमारा मेन मोटिव तो धरना है, 10 से 5 यहाँ धरना देते हैं, एरिया में अगर ठेला लेके घूमेगा तो पुलिस वाले लगने ही नहीं देंगे, तो हम कहे मुर्दा जिंदा है, आप हमारे माध्यम से चलिए, आपका भी रोटी रोजी का जुगाड़ होगा, हमें भी 2 वक्त का रोटी खिला दीजिएगा, बस यही है। बहुत बहुत शुभकामना संतोष जी।